वो देखिए, दो मंजिला वाला नाव, दो मंजिला नाव देखिए, लोग ऊपर में बैठ के मजा ले रहे हैं। अभी हम केसी घाट जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर उस घाट का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी बोट लगी हुई है, और तो आप लोग यहाँ से भी बोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से और थोड़ी दूर है आगे केसी घाट, और वहाँ चल रहे हैं और वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। पर गाइस, आप लोग पैदल मत आना, देवी बिहारी जी के मंदिर से आप आते हैं तो पैदल मत आना। देखने में लगता है बस नज़दीक में ही है, हमको कोई बोल दिया कि बस नज़दीक में ही है, बस हम आ गए, लेकिन आप लोग आना तो ई रिक्शा, ये बैटरी वाला रिक्शा है जो है, इससे आ जाना आप लोग, पैदल मत आना, थक जाओगे। हम तो भैया थक गए हैं, और आप लोग भी आते हैं तो आप लोग अच्छे से आइए, सही से आइए, जिससे कि आप लोग थके ना। ये देख सकते हैं साइड में जमुना मैया बह रही है। केसी घाट थोड़ा सामने मंदिर जो दिखाई दे रहा, और अभी हम चीर घाट के पास में हैं। और इधर देख सकते हो आप लोग, ये कदम का पैर जो आप लोग देख रहे हो, इसी पैर पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों का वस्त्र चोरी किए थे। ये सब पुरानी इमारत पुरानी इमारत भ्रमर घाट है ये, तो अभी चल रहे हैं केसी घाट की ओर। यहाँ पे भ्रमर वहाँ पे भाई बोल रहे थे कि वहाँ पे मोबाइल मंदिर छीन ले रहा है, तो सही से हमको वहाँ जाना होगा। बोल रहे थे कि मंदिर बहुत सारा मोबाइल जो छीन ले जा रहा है, तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं मंदिर का, तो मोबाइल हमको बचा के लेके जाना होगा। और अभी हम केसी घाट पर पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं केसी घाट की इमारत है, आप लोग देख सकते हैं, और ये घाट देख सकते हैं आप लोग, इस घाट का नज़ारा देखिए, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे गाइस। और ये देख सकते हैं आप सब लोग, यहाँ पर यमुना मैया का क्या नज़ारा है, अभी ऊपर में चिड़ियाँ वगैरह उड़ रही है, और सामने बोट वगैरह लगा हुआ, बोटिंग यदि आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पे भी बोटिंग। इससे पहले हम लोग वो वहाँ पे थे युगल घाट, पीछे घाट का सबसे पीछे वहाँ पे युगल घाट पे, वहाँ से चलते चलते अब आ गए हैं केसी घाट। तो ये देखिए बोट चल रही है। आप लोगों को बता दें कि इस घाट का निर्माण भरतपुर की महारानी लक्ष्मी देवी ने 17वीं शताब्दी में करवाई थी। यह वृंदावन में लगभग हर महत्वपूर्ण मंदिरों का एक घर है, छोटे प्राचीन मंदिरों से यह घिरा हुआ है, ये चारों साइड इसमें छोटा छोटा प्राचीन मंदिर है जो उसमें इन सभी से ये घिरा हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों को इसके चारों साइड देखने को मिलेगा। केसी घाट, केसी घाट वृंदावन के उत्तर पश्चिम दिशा में चीर घाट से पूर्व दिशा की ओर और भ्रमर घाट के समीप स्थित है।
आज यह घाट नगर के प्रमुख घाटों के रूप में है और अपना अस्तित्व बचा पाने में सक्षम है। घाट के बारे में उल्लेख है कि कंस ने केसी नामक दानव जो थे, राक्षस थे वो, तो उनको जो है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजे थे। वो केसी नामक राक्षस को कंस ने भेजे थे कि जाओ कृष्ण भगवान को मार देना है। तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में इसी घाट पे अपने सखाओं के साथ जो है गायों को लेकर के यहाँ पे गायों को चराया करते थे। तो इसी घाट पर जब केसी नामक दैत्य को कंस ने भेजे जो भगवान श्री कृष्ण को मार के आना, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस केसी नामक दैत्य का वध किए थे और इसी घाट पर उसका वध कर करके इसी यमुना मैया में उन्होंने स्नान किए थे। यमुना मैया, ये देख सकते हैं पानी यमुना मैया का केसी घाट पर, जय यमुना मैया की। अब लोग ही वो बोले जय यमुना मैया, तो ये पानी देख सकते हैं, यमुना मैया का दर्शन कीजिए आप लोग और देखते हैं, होगा तो टाइम मिलेगा तो बोटिंग भी करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत। और जब भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक दैत्य का वध करके इस यमुना मैया में इसी घाट पर जब स्नान कर लिए, तो उसी समय से इस घाट का नाम केसी घाट पर गया। और भी इस घाट से जुड़ी हुई और भी बहुत अच्छा कहानी है जो आप लोगों को आगे और भी बता दें। और आप लोगों को बता दें कि जब केसी नामक दानव जब आए थे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो वो काले घोड़े का रूप धारण करके आए थे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो यहाँ पर जो ये केसी घाट है, ये वृंदावन के प्रमुख घाटों में से एक घाट माना जाता है केसी घाट को। और इस घाट के चारों साइड छोटे छोटे प्राचीन मंदिर हैं, जो कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर यमुना मैया में वो लोग स्नान किया करते हैं। तो यहाँ पे यमुना मैया का आप लोग नज़ारा देखें, आप लोग सामने देख सकते हो यमुना जी के उस साइड के किनारे का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। और आप लोगों को बता दें कि इस घाट पर सुबह 6 बजे और शाम के 8 बजे यमुना जी की आरती होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आरती होती है, जो कि देखने लायक होती है। आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोगों को देखने में अलग ही यहाँ का आरती का आनंद आएगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ। और आइए यहाँ से आगे चलते हैं और आप लोगों को और भी आगे का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं गाइस यहाँ का नज़ारा, मोबाइल नहीं दिया फिर है? दिया ना, रोटी देने के बाद वो ऊपर से लेके आया श्री श्री चंद। अच्छा कुछ कुछ खाने के लिए दे देते दे। हाँ देने से दे दे, मेरा चश्मा लग गया ऊपर चढ़ गया, बात तोड़ दिया गया। खाने के लिए देने के बाद फिर ला के दे देता, देख ला के नहीं देगा वो जगह पे छोड़ देगा। अच्छा बोटिंग का कितना चार्ज लेता है यहाँ पर? 70-80। वो देखिए 2 मंजिला वाला नाव, 2 मंजिला नाव देखिए, लोग ऊपर में बैठ के मजा ले रहे हैं नाव का।
तो आप लोगों को गाइस यहाँ का नज़ारा दिखा दिए, हम लोग सुन लीजिए जो लोगों का मोबाइल यहाँ से लेके भाग गया था। तो मोबाइल आप लोग यदि यहाँ आते हैं तब मोबाइल बचा के रखें। तो ये कैसी घाट है गाइस, यहाँ पे बजरंगबली है, आप लोग बजरंगबली का भी दर्शन कीजिए यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ बजरंगबली का दर्शन कीजिए। ये देख सकते हैं बंदर भैया को, तो गए यहाँ से आप लोगों को ऊपर चढ़ के दिखाते हैं थोड़ा बहुत नज़ारा। ये कैसी घाट, तो आप लोग देख सकते हैं कैसी घाट का नज़ारा, ये ऊंचाई पर से दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ से किसी घाट का नज़ारा, और धूप भी उतना है अच्छा है, बहुत ही धूप यहाँ पे तेज़ है और धूप बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। देख सकते हैं गाय जी वो कबूतर, तो गाइज ये किसी घाट वाला ब्लॉग है, ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। और ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में यमुना मैया की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी ज़रूर लिखें। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।